तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस तरह से फोटोशॉप के काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो आप उनको जेपीजी में पीएनजी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक क्लिक के अंदर, तो वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वैसे तो मैं इनको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करके, कोई भी तस्वीर कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा और जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये इस तरह से मुझे सारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये तो है कि ये मैंने अलहदा से जो फ़ोटो प्रीवर फ़ोटो वाला ऐप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास विंडो वाला फ़ोटो व्यूवर है तो उसके ज़रिए ये काम नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है कि इन सारी पीएसडी फाइल्स को जेपीजी में कन्वर्ट करना है एक क्लिक के अंदर। ये सारा काम हमारा फोटोशॉप खुद करेगा, तो हमने उसको सिर्फ बता देना है। तो ये काम कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जो मेरे पास फोटो व्यूवर है इसकी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ कि इसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे और ये विंडो वाले जो फ़ोटो व्यूवर है उससे बेस्ट है। तो हमारा जो काम है उसमें हमने इसको पीएसडी फाइल को, कितनी है हमारे पास पीएसडी फाइल, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाते हैं और हमारे पास है यहाँ पे 272। तो ये टोटल हमारे पास 272 पीएसडी फाइल्स हैं। एक क्लिक के अंदर इसको हम जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने सबसे पहले अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। फ़ोटोशॉप ऑन करने के बाद आपने कोई एक पीएसडी फाइल या कोई एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है जिसमें हम उसको बताएंगे कि इसने करना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपने इसके टैब सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं इसके सारे टैब। तो यहाँ पे हमारे पास ये पीएसडी फाइल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे विंडो में। विंडो के बाद यहाँ पे एक्शन का बट आपको टैब मिलेगा, यहाँ पे आप Alt+F9 कर सकते हो तो हमारे पास एक्शन का एक बटन आ जाएगा। एक्शन के अंदर इधर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। फ़ोल्डर का कोई भी नाम दे दो, मैं यहाँ पर यही रख रहा हूँ। और उसके बाद हम एक्शन क्रिएट करेंगे। एक्शन के अंदर भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पर PSD2JPG, तो PSD2JPG मैं करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसके बाद हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड हो गया, इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। हमने क्या करना है कि फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ ही यहाँ पे सेव होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे JPG सेलेक्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। हमने सिर्फ इतना सा काम किया है कि उसको सेव करने का बताया। इसमें आप लोगो लगा सकते हो, आपकी हज़ारों तस्वीरें, आप एक क्लिक के अंदर अपनी सारी तस्वीरों पे लोगो लगा सकते हो इस तरह से करके, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी हम सेव कर रहे हैं, हमारी एक तस्वीर हो गई है, इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद हमने सिर्फ सेव की अभी इसको कमांड दिया कि ये सिर्फ सेव करें। तो अब हम कर देते हैं इसको बंद, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे पे ऑटोमेट के अंदर जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास बैच, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम इसको एक्शन बताएंगे, यहाँ पे सेट प्ले का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, आप जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फोल्डर बनाया था सेट वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप मैंने नाम चेंज नहीं किया था, वो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फोल्डर बता देते हैं। यहाँ पे चूज़ अ फोल्डर, तो फोल्डर हमारा जो है उसकी लोकेशन दे देते हैं, वो है ये वाला फोल्डर है। तो इसी में मैं सारा काम करूँगा और इसी के अंदर हम इसको सेव करवाएंगे। और उसके बाद मैं सेव एंड क्लोज पे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ओके करूँगा तो
तो उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाथ हटा दिए हैं, और ये खुद ब खुद यहाँ पे हमारी जो है जो PSD फाइल थी वो सारी सेव हो रही है JPG में। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारी 200 जितनी भी हमारी PSD फाइल हैं ये सेव नहीं हो जाती। तो यहाँ पे 1-2 मिनट इसने लिया है और हमारी सारी फोटोज़ जो हैं या जितने भी हमारी फाइल थे वो सारी कन्वर्ट कर दी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक PSD फाइल और एक साथ उसकी JPG फाइल। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे जिस तरह से चाहिए थी इसी तरह से यहाँ पे आ चुकी है। तो फर्स्ट वाली यहाँ पे उसने 2 बार कर दिया, तो मैं यहाँ से ये कॉपी वाली डिलीट कर दूंगा और बाकी मेरे पास सारा काम सही हो गया है। तो इस तरह से आप टाइम बचाने के लिए या एक-एक फाइल को करने से अच्छा है कि आप इस तरह से अपनी सारी फाइल्स को एक बार में ही एक क्लिक के अंदर सारी फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अब मुझे प्रीव्यू भी दिख जाएंगे और जो चीज़ मुझे पसंद आएगी मैं उसके साथ वाली PSD फाइल उठा लूँगा और इस तरह से ये। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप फोटोशॉप के बारे में या फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब की चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।